ये हमारी कोपा थ्योरी की 8वीं क्लास और इस क्लास में हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। अगर आपने इससे पहले की 7 क्लासेस नहीं देखी है तो उनको अभी आप देख लीजिए। आपको नॉर्मली क्या करना है, आपको होम चैनल पर जाना है, प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाना है और प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर आपको मिलेगा कोपा थ्योरी क्लासेस 2023, ये लिखा हुआ मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। सारी की सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, न्यू क्लासेस मिल जाएंगी। पुरानी क्लासेस आप देख रहे हो मत देखिए, वो क्लासेस मत देखिए, नई क्लासेस आप लोग की स्टार्ट हो रही हैं, स्टार्ट हो चुकी हैं, उनको आप देखिए, ठीक है। और नहीं तो आपकी सुविधा के लिए, और सुविधा के लिए आप क्लास को एंड तक देखिए, लास्ट में स्क्रीन पर ही आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन शो होने लगेगा। आप उस पर क्लिक करते ही आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे आसानी से। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर, और टॉपिक क्या है, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। जिसको भी आंसर आ रहे हैं वो अपने आंसर कमेंट करते जाइए, ठीक है। नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, हम उनको करवाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ सेल्स आर नेम इन MS Excel। MS Excel में कोशिकाओं का नाम कैसे दिया जाता है। एक बार ध्यान रखिए, आपके एग्जाम में हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोग एक भी टॉपिक मत छोड़िए, सारे के सारे क्लासेस आप लोग अटेंड कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है एमएस एक्सेल में कोशिकाओं का नाम कैसे दिया जाता है। तो एमएस एक्सेल में कोशिकाओं का नाम अल्फा न्यूमेरिकली दिया जाता है। कैसे, अल्फा न्यूमेरिकली दिया जाता है, यानी कि अक्षरांकीय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रोज इन एमएस एक्सेल 2010। एमएस एक्सेल 2010 में पंक्तियों की अधिकतम सीमा क्या है। यहाँ पर क्या पूछा गया, पंक्तियों की अधिकतम सीमा पूछी गई है। तो क्या होती है पंक्तियों की अधिकतम सीमा, वो होती है 10 48 576। 10 48 576 होता है पंक्तियों की अधिकतम सीमा। अब इसको आप एक मोबाइल नंबर की तरह याद रख सकते हैं, ठीक है, मोबाइल नंबर की तरह याद कीजिए, या फिर 5-6 बार इसको 10 48 576 इस तरीके से बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ कॉलम इन MS Excel 2010। एमएस एक्सेल 2010 में कॉलम की अधिकतम सीमा क्या है। पिछले में क्या पूछा था, पिछले में पूछा था रो का, यानी कि पंक्तियों का क्या था, 10 48 576। 10 48 576 पंक्तियों की थी अधिकतम सीमा, और कॉलम की अधिकतम सीमा कितनी होगी, तो वो होती है 16384। ऑप्शन ए 16384। अगला क्वेश्चन है, विच बार लाइज टॉप ऑफ द विंडो इन एक्सेल स्क्रीन में कौन सी बार खिड़की के ऊपर स्थित है। एक्सेल स्क्रीन में कौन सी बार खिड़की के ऊपर स्थित है, तो वो बार है टाइटल बार, यानी कि शीर्षक बार। अगला क्वेश्चन है, हाउ रोज आर नंबर्ड इन MS Excel। MS Excel में पंक्तियों को कैसे गिना जाता है, किसमें, MS Excel में पंक्तियों को कैसे गिना जाता है, तो पंक्तियों को गिना जाता है न्यूमेरिकली। गिनने की बात हो रही है तो संख्या के अनुसार ही गिनेंगे ना, न्यूमेरिकली संख्या अनुसार गिनते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ कॉलम्स आर नेम्ड इन MS Excel। MS Excel में कॉलमों को कैसे रखा जाता है, या फिर क्या कहा जाता है, ठीक है, इसमें पूछ रहा है कॉलम, तो कॉलम को क्या कहा जाता है या कैसे रखते हैं, तो वो रखते हैं वर्ड क्रम, अल्फाबेटिकली रखते हैं कॉलम को। एमएस एक्सेल में कॉलम को अल्फाबेटिकली यानी कि वर्ड क्रम में रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच टैब इन एक्सेल इज यूज्ड फॉर प्रूफिंग, प्रोटेक्टिंग एंड मार्किंग ऑफ अ स्प्रेडशीट। एक्सेल में कौन से टैब का उपयोग स्प्रेडिंग की रक्षा, सुरक्षा और अंकन के लिए किया जाता है। तो वो है रिव्यू, ऑप्शन सी रिव्यू। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज MS Office। MS Office किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो MS Office एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, अनुप्रयोग प्रक्रिया सामग्री क्या होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है क्या, MS Office। अगला क्वेश्चन है, विच टूल इन MS Office इज बेस्ट फॉर ऑर्गेनाइजिंग डेटा एंड मेकिंग लिस्ट। MS Office में कौन सा उपकरण डेटा व्यवस्थित करने और सूची बनाने के लिए सबसे अच्छा है। तो वो है
एक्सेल। एक्सेल जो है वो मोस्टली यूज होता है, जैसे आपका कोई चार्ट बनाना हो गया, आपकी कोई सूची बनानी होगी, लिस्ट वगैरह, ठीक है, डेटा को व्यवस्थित रखने के लिए एक्सेल का यूज किया जाता है। जैसे आप स्कूल में देखोगे तो एक सिक्वेंस वाइज कि किस स्टूडेंट्स के कितना मार्क आया है, क्या आप उसका परफॉर्मेंस रहा है, इस तरीके से डेटा को व्यवस्थित करने के लिए एक्सेल का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन इन एक्सेल 2010? इन एक्सेल 2010, एक्सेल 2010 की फाइल एक्सटेंशन क्या है? एक्सेल 2010 की फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो फाइल एक्सटेंशन होगी डॉट xlsx। क्या एक्सटेंशन होगा? डॉट xlsx। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द सिंगल एलिमेंट इन अ वर्कशीट नोन एज इन एक्सेल? एक्सेल में ज्ञात वर्कशीट में एकल तत्व कैसे होता है? एक्सेल में ज्ञात वर्कशीट में एकल तत्व कैसे होता है? तो एकल तत्व रखा जाता है सेल। क्या होगा? सेल होगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच फंक्शन की इज यूज टू ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स इन MS Excel? MS Excel में डायलॉग बॉक्स के रूप में सेव करने के लिए किस फंक्शन को जी का उपयोग किया जाता है? अब आपके मन में एक सवाल होगा कि मैडम जी, आप तो पढ़ते जा रहे हो, ऑप्शन बताते जा रहे हो। अब देखो, मैंने आपको क्या बोला था कि आपको ऐसे ऑफलाइन सीखना होगा, तब आप इन क्वेश्चंस को आसानी से समझ पाओगे। फिर मैं काफ़ी बार बोल चुकी हूँ कि अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हो ना, तो आप मेरे से मत पढ़िए, ठीक है, मत पढ़िए। इतना आप पढ़ लोगे ना, इतना आपको आ जाएगा कि आप ये क्वेश्चन बहुत ही आराम से कर लोगे। आगे कोई सी भी एग्ज़ाम होंगे कंप्यूटर रिलेटेड, आप उनको कर लोगे, ठीक है। कुछ भी आपको फिर पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, मेरे से पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। इस तरीके की क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन पढ़ा और आंसर पढ़ा, इस तरीके से पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। अब देखो, मैं भी क्या करूँगा, आप लोगों को मैं कैसे सिखाऊँ सारी चीज़ें, ठीक है। ऐसे ऑनलाइन इतना पॉसिबल नहीं, जब तक आप खुद प्रैक्टिकली करके नहीं देखोगे तब तक आप नहीं सीख पाओगे। भले ही मैं काफ़ी ऐसे सिखाऊं कि इससे ये फंक्शन कुंजी ये है, इससे फंक्शन कुंजी, जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, MS Excel में डायलॉग बॉक्स के रूप में सेव करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो वो फंक्शन कुंजी है F12। क्या होगा? F12 होगा। अगला क्वेश्चन है, विच टैब इज यूज फॉर क्रिएटिंग, फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग अ स्प्रेडशीट? स्प्रेडशीट बनाने, प्रारूपण और संपादन के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? स्प्रेडशीट बनाने, प्रारूपण और संपादन के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? तो वो है होम। कौन सा टैब है? होम। अगला क्वेश्चन है, विच फंक्शन इज यूज टू एड द वैल्यू इन अ रेंज? किसी श्रेणी में मान जोड़ने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? किस फंक्शन का, सॉरी कुंजी नहीं है, किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो फंक्शन है, वो फंक्शन है सम। क्या हो जाएगा? सम। अगला क्वेश्चन है, विच सिंबल इज यूज टू एक्सिक्यूट फॉर्मूलाज इन MS Excel? MS Excel में सूत्रों का उपयोग किस प्रतीक के लिए किया जाता है? सूत्रों का उपयोग यानी कि फॉर्मूलाज का उपयोग किस सूत्र के लिए, किस प्रतीक के लिए किया जाता है, सॉरी किस प्रतीक के लिए किया जाता है, सूत्रों का उपयोग किस प्रतीक के लिए किया जाता है? तो प्रतीक है इज इक्वल टू, ऑप्शन ए इज इक्वल टू। अगला क्वेश्चन, वेयर डज द रिजल्ट डिस्प्ले व्हेन अ फॉर्मूला इज एंटर्ड इन एक्सेल? जब एक्सेल में कोई फॉर्मूला डाला जाता है तो परिणाम कहाँ दिखाई देता है? अगर कोई यहाँ पर एक्सेल मास्टर क्वेश्चन को देख रहे हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको आंसर 100% आता होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो एक्सेल में कोई फॉर्मूला डाला जाता है तो परिणाम कहाँ दिखाई देता है? परिणाम दिखाई देता है करंट सेल में। कहाँ पर? वर्तमान सेल में परिणाम हमें दिखाई देगा जब कोई फॉर्मूला एंटर किया जाएगा। अगर क्वेश्चन, विच फंक्शन इन एक्सेल इज यूज टू फाइंड द बिगेस्ट वैल्यू इन अ रेंज? एक्सेल में कौन सा फंक्शन एक सीमा नहीं, सबसे बड़ा मूल्य खोजने के लिए उपयोग किया जाता है? एक सीमा से सबसे बड़ा मूल्य खोजने के लिए उपयोग किया जाता है, तो वो फंक्शन है मैक्स, ऑप्शन डी मैक्स। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेट एंड टाइम फंक्शन इन एक्सेल? निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल में दिनांक और समय का कार्य है? कौन सा दिनांक और समय का कार्य है? वो है ना, ऑप्शन सी ना। अगला क्वेश्चन है, विच फंक्शन की इज यूज टू ओपन गो टू डायलॉग बॉक्स इन MS Excel? MS Excel में गो टू डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है गो टू डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए? गो टू डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो वो है F5, ऑप्शन बी F5। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग
नो आर्गुमेंट फंक्शन, निम्नलिखित में से कौन सा आर्गुमेंट कोई तर्क नहीं है, नो आर्गुमेंट फंक्शन है, इनमें से कौन सा नो आर्गुमेंट फंक्शन है, तो वो है ना, ऑप्शन ए ना। अब आप में से एक कोई स्टूडेंट है कल कमेंट कर रहे थे मैम मेरा नाम ले दो, कुछ सोनू सिंह करके थे, बोले थे मेरा मैम मेरा नाम ले दो, तो कैसे नहीं चलेगा ना कि आप बोलोगे मैम मेरा नाम ले दो, क्या है आप नाम में क्या रखा है, आप लोग आराम से पढ़िए ठीक है। और एक दिन मैं ऐसी क्लास लूँगी बढ़िया तरीके से सबके, आप लोग कमेंट कीजिए बढ़िया बढ़िया कमेंट कीजिए, आपके कमेंट उठा के मैं आप लोगों के नाम लूँगी ठीक है। अगर इतना शौक है नाम लिखवाने का तो मैं नाम लूँगी, वरना आराम से पढ़िए कोई दिक्कत नहीं है, नाम आम के चक्कर में मत पढ़िए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में मैक्रो की बनाने के लिए किस प्रकार की कुंजी को कंट्रोल कुंजी के साथ संयोजित करना चाहिए, एक्सेल में मैक्रो की बनाने के लिए किस प्रकार की कुंजी को कंट्रोल कुंजी के साथ संयोजित करना चाहिए, तो वो है वर्णानुक्रम, ऑप्शन बी वर्णानुक्रम कुंजी के साथ संयोजित करना चाहिए। और आज की क्लास में बस इतना ही, और मिलते हैं आपको अगली टॉपिक पर, टॉपिक होगा हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, और इससे पहले की सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, आपको स्क्रीन पर ही शो होने लगेगी प्लेलिस्ट और चैनल का नाम भी ठीक है, सब कुछ आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, तो आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करके सारी सारी क्लासेस देख सकते हैं प्लेलिस्ट पर जाकर अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी है। तो चलिए मिलते हैं आपको अपनी अगली क्लास में, क्लास होगी हमारी नौवीं और टॉपिक होगा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इन क्वेश्चंस को आप भारत स्किल वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, इन क्वेश्चंस को आप पढ़ सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से ठीक है।